तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। ये प्रिंसेप घाट की तस्वीर है। आप देख रहे हैं लगातार एक के बाद एक आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं। बड़ी संख्या में इस वक्त प्रोटेस्टर सड़क पर मौजूद हैं और उन्हें खदेड़ने के लिए, यहां से हटाने के लिए पिछले 3 घंटों से लगातार संघर्ष आप कोलकाता की सड़क पर देख रहे हैं, लेकिन प्रदर्शनकारी आज पीछे हटने के मूड में दिखाई नहीं दे रहे हैं। ममता चाहे जितना बल का प्रयोग करे, ममता बनर्जी के पुलिस यहाँ पर चाहे जवान हो, लेकिन आज ये छात्र संगठन एक इरादे के साथ निकले हैं। इरादा है ममता बनर्जी के इस्तीफे का, इरादा है ममता बनर्जी का। जिस तरीके से इस पूरे मामले में एक डॉक्टर बेटे का रेप हो गया, मर्डर हो गया, लेकिन उसी कॉलेज के प्रिंसिपल संदीप घोष को जिस तरह से पूरे सिस्टम ने प्रोटेक्ट करने की कोशिश की, ये गुस्सा उसके खिलाफ है और यही वजह है कि आज जनता सड़क पर है। और आप केवल ये मत मानिए कि केवल इसमें छात्र ही शामिल हैं, इसमें छात्र संगठन है, इसमें पश्चिम बंगाल की आम जनता है और इस जनता को हाँ पॉलिटिकल सपोर्ट भी हासिल है। किसी भी राजनीतिक पार्टी के लिए और ख़ासतौर पर जो विपक्षी दल में बैठी है उसके लिए तो एक सुनहरा अवसर होता ही है, लेकिन एक बार को आप इससे अलग कर दीजिए, उसे दरकिनार कर दीजिए। यह आक्रोश आज जनता का इसलिए फूट पड़ा है क्योंकि करप्शन की जड़ें गहरे तक बैठी हुई हैं। आखिर कैसे हो जाता है कि एक सरकारी अस्पताल में एक डॉक्टर बेटी का रेप हो जाए, मर्डर हो जाए, इतना ही नहीं एक FIR तक समय पर दर्ज ना हो, जो मौका वारदात थी उसे खराब करने की कोशिश हो जाए, प्रिंसिपल का उस कॉलेज से इस्तीफे के बाद किसी दूसरे कॉलेज में प्रमोशन हो जाए, आखिर ये कहाँ होता है और क्यों होता है? ये बिना किसी सिस्टम के प्रोटेक्शन के तो हो ही नहीं सकता। आज CBI भले इस मामले की इंक्वायरी कर रही है, लेकिन शायद जनता इस वक्त कुछ और चाहती है और उसकी मांग के साथ इस वक्त सड़कों पर मौजूद है। आइए आपको कुछ तस्वीरें दिखाती हूँ। ये प्रोटेस्ट की तस्वीरें हैं, कोलकाता की अलग अलग सड़कों पर ये प्रोटेस्ट चल रहा है। जरा सुनिए इनकी आवाजों को, इनके नारों को, इनकी नाराजगी को। ममता सरकार के खिलाफ प्रदर्शनकारियों का ये आक्रोश, और आप देखिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है, लाठियों का इस्तेमाल किया जा रहा है इन प्रदर्शनकारियों पर, आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं, रबर बुलेट दागी जा रही है, हालांकि कई जगह पर पत्थरबाजी भी हुई है, मल्टी लेयर ऑफ बैरिकेडिंग है। हमारे सहयोगी मनीष भट्टाचार्य, ओंकार सरकार, मनीष प्रसाद इस वक्त सभी कोलकाता की सड़कों पर ही मौजूद हैं, एक एक तस्वीर लाइव आप तक पहुंचा रहे हैं। मनीष, इस वक्त आपकी मौजूदगी कौन से पॉइंट पर है, वहां कितने लेवल की बैरिकेडिंग है? मनीष, मेरे ख्याल आप पुलिस से बात करने की कोशिश कर रहे थे, उनसे जानकारी अर्जित करने का प्रयास कर रहे थे। ओंकार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ओंकार, देखिए पुलिस प्रशासन के तरफ से इंदिरा मुखर्जी, उनसे हम लोगों का बातचीत हो गया है और उन्होंने जो कहा है कि कॉलेज की एरिया जो है, जो MG रोड एरिया है, वो पुलिस अपने कंट्रोल पर ले चुकी है। यानी कि हावड़ा से जो रास्ता सीधा MG रोड पकड़ते हुए ये सेंट्रल एवेन्यू की तरफ आ रही है, ये रास्ते पे अभी पूरी पुलिस पूरी तरह से जो कंट्रोल में है वो कंट्रोल कर लिया गया है। यहाँ पर अभी किसी भी प्रदर्शनकारी को देखा नहीं जा रहा है। आप बने रहे हमारे साथ, वहां पर थोड़ा बहुत प्रदर्शनकारियों को कंट्रोल किया गया है। मनीष, मैं देख पा रही हूँ आप बार बार अपनी आंखों को पोंछ रहे हैं, आप ठीक है? मनीष भट्टाचार्य, आज देखिए जबरदस्त यहाँ पर इस समय रबड़ बुलेट्स और आंसू गैस के गोले चल रहे हैं यहाँ पर, आप देखिए। बड़ी बात यह है कि जो सामने प्रदर्शनकारी थे, जो आंसू गैस के गोले वहाँ पर फेंके जा रहे हैं, वो उठा के वो पुलिस की तरफ भी फेंक रहे हैं और पथराव हो रहा है। लगातार यहाँ पर फायरिंग हो रही है। RAF देखिए, ये सामने जो RAF की जो गाड़ी खड़ी है, यहाँ से रबड़ बुलेट चल रहे हैं, सामने लगातार आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। बहुत बड़ी तादाद में आगे की तरफ थोड़ा सा जो मैं देख पा रहा हूँ वहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर भीड़ मौजूद है जो इस तरफ आना चाह रही थी, हालांकि अभी
आंसू गैस के गोले और रबड़ बुलेट्स दागते हुए जब यहां पर किया गया, तब यहां से उन लोगों को खदेड़ा गया है प्रिंसेप गार्ड की तरफ, क्योंकि ये बैरिकेडिंग बहुत क्रूशल है। वो इसलिए क्योंकि अगर यहां से बैरिकेड ये टूटता है तो फिर आगे हेस्टिंग पे पहुंच जाएंगे नबन्नों के बेहद करीब, और लगातार यहां पे जो है आंसू गैस के गोले छोड़े ही जा रहे हैं। जो आंसू गैस के गोले उधर फेंके जा रहे हैं, प्रदर्शनकारी उसी आंसू गैस के गोलों को इधर पुलिस की तरफ फेंक दे रहे हैं। इसीलिए यहां पर आप देखिए अब रबड़ बुलेट चलाए जा रहे हैं। ये देखिए आरएएफ है, आरएएफ की जो वैन है इसमें देखिए रबड़ बुलेट्स लगातार फायर किए जा रहे हैं, और लगभग अभी 20 से ज्यादा फायर हो चुके हैं, और सामने प्रदर्शनकारी डटे हुए हैं जो मैं देख पा रहा हूं वहां पर। ये देखिए रबड़ बुलेट्स की फायरिंग किस तेजी से हो रही है, और ये आगे वहां पर जो प्रदर्शनकारी है उनको यहां पर आने से रोका जा रहा है। और इस समय जबरदस्त, पहले यहां पर बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की गई थी और उसके बाद अब बैरिकेड से इनको पीछे धकेला गया है, क्योंकि ये बैरिकेड अगर टूट गया तो ये नबन्नों के बहुत करीब पहुंच जाएंगे। और लगातार आरएएफ फायर कर रही है रबड़ बुलेट्स के, और एक तरफ से आंसू गैस के गोले फायर हो रहे हैं। जितनी रेंज थी उससे थोड़ी सी दूर जाके ये लोग खड़े हो गए हैं, और इसलिए वाटर कैनन को अभी बंद कर दिया गया है क्योंकि यहां से खदेड़ा गया है। लेकिन पुलिस जो है, आप देखिए कुछ लोग यहां पर पुलिस के मौजूद है, बाकी पुलिस जो है वो पीछे की तरफ चली गई है, क्योंकि जो उनके आंसू गैस के गोले थे वो उठा के इधर ही फेंका जा रहा था। तो पुलिस कोशिश कर रही है इनको खदेड़ने के लिए, लेकिन अभी बड़ी तादाद में आगे बहुत बड़ी तादाद में लोग यहां पर मौजूद हैं और सामने की तरफ यहां पर आना चाह रहे हैं। ये प्रदर्शनकारी केवल छात्र हैं मनीष, या इन प्रदर्शनकारियों के अंदर कोई हुड़दंगी भी है? क्योंकि जो पश्चिम बंगाल की पुलिस और जो वहां की सरकार पोर्ट्रे करना चाह रही है वो ये कि ये आम लोगों का प्रोटेस्ट नहीं है। जी हाँ, देखिए बिल्कुल, ये तो फिलहाल छात्र ही नजर आ रहे हैं। अब इस छात्रों की आड़ में अगर कोई प्रदर्शनकारी ऐसा होता है जो हुड़दंग मचाना चाहता है, उसको आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल है। लेकिन फिलहाल इनकी मंशा तो यही है, हाथ में तिरंगा लेकर नारेबाजी करते हुए। कोई इन्होंने उस तरफ से इस तरीके की हरकत भी नहीं की थी, कोई पथराव भी नहीं किया था। उनको खदेड़ने के लिए पहले वाटर कैनन चलाना पड़ा और उसके बाद फिर इन्होंने आंसू गैस के गोले दागना। आप देखिए सामने आपको खुद एक लड़का हाथ में तख्ती लेके दिखाई दे रहा होगा, और लोग आ रहे हैं फिर से। देखिए किस तरीके से इनके हाथों में जो तख्तियां हैं वो सिर्फ यही कि वी वांट जस्टिस। तिरंगा लेके एक व्यक्ति आगे आ रहा है और उसके बाद ये बैरिकेड के पास आते हैं, और बैरिकेड के पास जैसे ही पहुंचते हैं इनके ऊपर ये देखिए रबड़ बुलेट चलना शुरू हो गए उसी भीड़ में। अब देखिए वो प्रदर्शनकारी बचने की कोशिश कर रहे हैं, आ रहा है कि पुलिस डरी हुई है, प्रशासन डरा हुआ है। ये देखिए लगातार ये छात्र पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हाथ में तख्तियां लेकर आगे बढ़ रहे हैं। इनसे क्यों डर रही है पुलिस? छात्रों को आगे बढ़ने दें, अपनी बात कहने दें। जब तक कोई बड़ा रिटेलिएशन नहीं होता है तो इस तरीके से आंसू गैस के गोले दागने, रबड़ बुलेट की क्या जरूरत है? मनीष प्रसाद भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष प्रसाद, इस वक्त आपकी लोकेशन क्या है, आप कहाँ पर मौजूद है, जरा वहाँ की स्थिति दर्शकों को दिखाएं। मीनाक्षी, मैं इस समय जो हावड़ा ब्रिज था उसके ठीक पास में एमजी रोड का ये एरिया है, यहाँ पर हूँ। और एक तरफ जहाँ पुलिस के अधिकारी और पुलिस के जवान हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ठीक सामने वो प्रदर्शनकारी हैं और वो वी वांट जस्टिस कह रहे हैं। बैरिकेड को तोड़ा, पत्थर उन्होंने किया, पत्थरबाजी की, जिसके बाद यहाँ पर काफी प्रदर्शन उग्र हो गया। जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं उसके अलावा शेल्स लगातार फायर किया गया यहाँ से, तो इसीलिए जब आप तस्वीरों में देखें तो सामने वहां पर वो बिल्कुल डटे हुए हैं। कई बार उनको खदेड़ा गया लेकिन उसके बावजूद भी वो स्थिति ज्यों की त्यों बनी हुई है। और इसीलिए जो सीनियर ऑफिशियल्स यहाँ पर मौजूद हैं उनके मुताबिक ये जो पत्थर यहाँ पर चलाए गए हैं वो यहाँ पे उम्मीद ऐसी की जा रही है कि मिसक्रेंट्स हैं। सर, काफी पत्थर है यहाँ पे, आपको लग रहा है मिसक्रेंट्स आ गए हैं भीड़ के अंदर? देखिए अभी हम लॉ एंड ऑर्डर में हैं, बात नहीं कर सकते, लेकिन पत्थर दिख ही रहे हैं, पत्थर पुलिस के ऊपर चल रहा है, मिसक्रेंट्स की संभावनाएं हैं, मैं बात नहीं कर सकता। ये यहाँ के सीनियर ऑफिशियल थे जो कि इस समय पुलिस का नेतृत्व कर रहे हैं उस जगह पर। और एक बार फिर से आप देखें तो यहाँ पर सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए ये कह रहे हैं कि भीड़ जो प्रदर्शनकारी थे उसमें अब वो लोग आ गए हैं जो कि यहाँ पर इनकी आड़ में पत्थरबाजी कर रहे हैं, और इसीलिए अब जो ये जो पूरा एरिया है इसको खाली करवाया जा रहा है। मैं अपने कैमरा पर्सन अमित को कहूंगा कि यहाँ से ठीक सामने की वो तस्वीरें दिखाएं जहाँ पर एक बार फिर से ये कोशिश की जा रही है कि ये जो शेल्स हैं वो फायर किए जाए, और फायर करने के बाद जो यहाँ पर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं उनको यहाँ से
हटाया जा सके। और ये एक बार फिर से आप मीनाक्षी देखिए कि जैसे जैसे पुलिस आगे जा रही है वैसे वैसे ये जो हुड़दंग मचा रहे थे लोग वो यहाँ पे डटे हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ पत्थर दोनों तरफ बिखरे हुए हैं, बैरिकेड है और ये कोशिश की जा रही है कि सिचुएशन को नियंत्रित किया जाए, लोगों को समझाया जाए। जो प्रदर्शन था उस प्रदर्शन को जरूर करें, लेकिन जो इनके बीच में असामाजिक तत्व इनका कहना है वो आ गए हैं, वो यहाँ से हटे। हाथों में तिरंगा लिए हुए ये प्रोटेस्ट करते हुए आमने सामने इस समय हैं। ये वी वांट जस्टिस की बात कर रहे हैं। और यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर जो लोग हैं वो इस एमजी रोड पर मौजूद हैं और इसीलिए पुलिस इनको समझाने बुझाने की बात कर रही है। ठीक मनीष प्रसाद, आप बने रहे हैं हमारे साथ और आप अपना भी ख्याल रखें। मनीष भट्टाचार्य भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, मैं देख पा रही हूँ कि वहाँ पर माहौल थोड़ा बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। छात्र तो केवल वॉक करते हुए बैरिकेड तक पहुँच रहे थे, उनके हाथों में तख्तियाँ थी, ऐसा भी नहीं कोई हाथों में लाठियाँ लेकर पहुँचे हों, लेकिन एकाएक उनके ऊपर बुलेट फायर कर दिया गया। नहीं देखिए, बुलेट फायर भी हुआ, आंसू गैस के गोले भी छूटे और पथराव भी शुरू हो गया। अभी उधर की तरफ से पथराव भी हो रहा है। आप अगर देखिए तो इन लोगों को पहले इकट्ठा करके जब आगे लेके आए, अब देखिए ये लगातार जो है आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। उधर से जब वो लोग आ रहे थे तो शुरुआत में हाथ में तिरंगा लेके आ रहे थे कि इस बैरिकेड के पास पहुंचे तो उस वक्त कोई बहुत ज़्यादा विरोध नहीं कर रहे थे, लेकिन अचानक से वाटर कैनन चलना शुरू हो गया और अब जो भीड़ आ रही है देखिए आप, बार ये देखिए कितना बड़ा पत्थर फेंका जा रहा है, ये बड़े बड़े पत्थर वाटर कैनन चाहिए, देखिए एक के बाद एक आंसू गैस के गोले, रबड़ बुलेट्स और ये देखिए वाटर कैनन चलना शुरू हो गया है जबरदस्त, क्योंकि उधर से पत्थरबाजी शुरू हो गई है और फिर से एक बार आंसू गैस के गोले और रबड़ बुलेट्स चल रहे हैं। जबरदस्त बवाल हो रहा है, यहाँ पे प्रदर्शनकारी मौजूद है एकदम बैरिकेड के पास, यहाँ से उन्होंने पत्थरबाजी शुरू करी, बड़े बड़े पत्थर चलने शुरू हुए और उसके बाद इधर से रबड़ बुलेट्स चलाना शुरू कर दिया आरएएफ की तरफ से और लगातार आंसू गैस के गोले एक के बाद एक फायर किए जा रहे हैं आप देखिए, और वाटर कैनन भी चलाया जा रहा है। प्रदर्शनकारी डटे हुए हैं, हालांकि उस जगह पर भी कुछ सिक्योरिटी फोर्सेस मौजूद हैं, यहाँ के पुलिस के लोग मौजूद हैं, लेकिन कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, उनको रोक नहीं पा रहे हैं। लेकिन वो जो मॉब है मुंह पे मास्क बांध के वहां पे तमाम लोग आ रहे हैं और आप ये देखिए बड़ा सा पत्थर यहाँ पर आया है, ये देखिए आप देखिए, बहुत ज्यादा उम्र नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़े कोई राजनीति के कोई बड़े बड़े नेता दिख रहे हैं इसमें, बहुत कम उम्र के छात्र दिख रहे हैं। छात्रों का लगातार ये कहना है कि हम पीसफुल प्रोटेस्ट करना चाह रहे हैं तो हमको खदेड़ने की कोशिश क्यों की जा रही है, अगर इस तरीके से खदेड़ा जाएगा तो रिटेलिएशन होना लाजमी है। अब लड़के देखिए वहां पर इकट्ठा हो रहे हैं, उनको पीछे करने के लिए आंसू गैस के गोले और रबड़ बुलेट्स चलाए जा रहे हैं, लेकिन ये जितने भी आपको लोग दिखाई दे रहे हैं ये लगातार यही डिमांड कर रहे हैं कि हमको आगे आने दो, हम बैरिकेड पे आके अपना डिमांड करेंगे, लेकिन ये बैरिकेड के पास भी नहीं आने दे रहे हैं, वाटर कैनन और लगातार रबड़ बुलेट्स और आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। इसी के चलते ही जो रिटेलिएशन हो रहा है उधर से पत्थर फेंका जा रहा है और ये लड़के अपनी टीम जो वहाँ पे और लोग थे उन लोगों को बुलाया जा रहा है। एक चीज बड़ी खास है, देखिए ये इस तरीके की तस्वीर कुछ बंगाली जो लोग हैं उनसे हमारी बातचीत थी, उन्होंने कहा कि एक वक्त था जब ममता बनर्जी जब अपनी राजनीति को चमकाना चाहती थी तब इस तरीके की तस्वीर आम थी पश्चिम बंगाल में, उसी के बल पर ममता बनर्जी ने ये अपना मुकाम हासिल किया कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बनी। और अब जब छात्र यहाँ पर अपनी मांग करने के लिए प्रोटेस्ट करने के लिए आ रहे हैं तो ये दमनकारी नीति अपनाने की जरूरत क्या है, कि इस तरीके से इस प्रोटेस्ट को रोकने की जरूरत क्या है, क्योंकि ये तो पश्चिम बंगाल का है कि हमेशा से संघर्ष से लेकर सत्ता तक की सीढ़ी तक पहुँचते पहुँचते चरित्र नेता का बहुत बदल जाता है। जहाँ पहले सड़कों पर वो खुद प्रदर्शन करती थी, आज वहाँ पर पश्चिम बंगाल की जनता प्रदर्शन कर रही है और वो चूंकि सत्ता के सिंहासन पर मौजूद है, वो इस वक्त पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं, प्रशासन उनके पास है, तंत्र उनके पास है, पुलिस उनकी है और इस वक्त वो सड़कों पर जो चाहे वो कर सकती हैं। और अब ये चाहे रबड़ बुलेट फायर की जा रही हो, चाहे आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हो, अपनी ही जनता के खिलाफ ये वो कर रही हैं। बातचीत करके भी समाधान निकाला जा सकता है लेकिन बातचीत का कोई प्रयास नहीं हुआ। अब छात्रों का गुस्सा जो भड़क रहा है उसके पीछे मुख्य वजह क्या है? मनीष भट्टाचार्य, देखिए लाठी चार्ज देखिए हो रहा है, देखिए कैसे दौड़ा है लाठी चार्ज के लिए, किस तरीके से खदेड़ा जा रहा है उनको,
पुलिस यहां से पहुंची है उनको खदेड़ने के लिए। आगे लाठीचार्ज किया जा रहा है और सामने जो लोग हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं, जम के बवाल अब होना शुरू हो गया है। पुलिस हाथ में शील्ड लेकर लाठी लेकर खदेड़ते हुए उन लोगों को आगे जा रही है और इस जगह से निकल रही है। आप देखिए ये लाठीचार्ज की नौबत तक के आ गई है यहाँ पर और उधर शुरू हो गई है। ये जो नारेबाजी हो रही है मनीष प्रसाद, ये नारेबाजी क्या हो रही है, क्या कह रहे हैं लोग? आप जितनी भी बातें सुन रहे हैं, जितने भी नारे सुन रहे हैं, वी वांट जस्टिस के नारे सबसे ज्यादा मुखर होकर सुनाई दे रहे हैं। ओंकार, इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं और क्या वहां पर हालात कुछ सामान्य हो पाए हैं, क्योंकि प्रिंसेप घाट पर हम तस्वीरें देख रहे हैं, वहां पर तस्वीरें बिल्कुल अलग हैं। देखिए इस वक्त हम लोग मौजूद है कॉलेज स्क्वायर पे, जो हावड़ा से जो रैली शुरू होती हुई आ रही थी उसको पुलिस खदेड़ते हुए कॉलेज स्क्वायर तक पहुंच गई है और उसके बाद यहाँ पर अभी पुलिस के जितने भी अधिकारी है यहाँ पर रुके हुए हैं, लेकिन यहाँ पर अभी तक कोई प्रदर्शनकारी नहीं है। कुछ देर पहले ही यहाँ पर प्रदर्शनकारी पहुंचे थे लेकिन उसको पुलिस ने खदेड़ दिया है यहाँ से लाठियों की मदद से, और इसके अलावा आंसू के गोले की मदद से यहाँ से हटाए दिया गया है। तो अभी जो यहाँ का जो परिस्थिति है, अभी यहाँ पर पुलिस अपनी कंट्रोल पे ले चुकी है ये पूरा इलाका, और नया तरीके से यहाँ से कोई भी रैली जो नवानों की तरफ आगे बढ़ना चाहती है उनको यहाँ से इजाजत नहीं दी जाएगी। कॉलेज स्क्वायर के एक जो क्रॉसिंग है, उस क्रॉसिंग में हम लोग इस वक्त मौजूद है और यहाँ पर आप बने रहे हमारे साथ। तो यहाँ पर कॉलेज स्क्वायर पर हालात थोड़े सामान्य होते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन प्रिंसेप घाट पर परिस्थिति एकदम अलग है। मनीष भट्टाचार्य, जरा आप बताएं कि क्या प्रदर्शनकारी पीछे हटने के लिए तैयार हैं? मनीष भट्टाचार्य, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? ममता बनर्जी की ये पुलिस की ताकत और उसके सामने छात्र संगठनों की ताकत है। सवाल ये कि क्या बंगाल में अब निर्णायक वक्त आ गया है? क्या पश्चिम बंगाल सरकार को अब झुकना होगा? सूत्र ये बता रहे थे कि अब बहुत जल्द ममता बनर्जी भी सड़कों पर मार्च निकाल सकती हैं। ऐसे मार्च का क्या फायदा जब आपके अपने राज्य की जनता मार्च निकाल रही हो, प्रदर्शन कर रही हो, तब उनके ऊपर आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हो, उनके ऊपर लाठियां चलाई जा रही हो, उनके ऊपर रबर बुलेट फायर की जा रही हो, और अगले दिन ये तय किया जाए कि प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद मार्च निकालेंगे सड़कों पर। कानून व्यवस्था की बात होती है, कहाँ है कानून और कहाँ है व्यवस्था और कहाँ है न्याय? मनीष प्रसाद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, जरा हालात आप वहां के बयां करें। जब तक इनको न्याय नहीं मिलेगा तब तक ये ऐसे ही रहेंगे, और इसीलिए वो जो है यहाँ पर बैठकर वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये महिलाएं बैठ गई हैं, ये आगे की तरफ नहीं जाना चाहती और ये इनका ये कहना है कि अब ये आगे नहीं बढ़ेंगी। क्या कहना चाहेंगी आप? पर
जो इनके साथ है अभी धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। एक तरफ जहां ये मौजूद है तो वहीं दूसरी तरफ पुलिसकर्मी हैं जो इनको रोक रहे हैं। पुलिस के सीनियर ऑफिसर इनको आगे नहीं जाने देना चाहते और ये आगे जाने के लिए कह रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि यहां पर उन्हें रोका जा रहा है और रोकने के साथ साथ उनको कहा जा रहा है कि वो पीछे की तरफ ही रहें। और ये स्थिति एक बार फिर से तनावपूर्ण होती जा रही है क्योंकि अगर ये आगे बढ़ेंगे और जैसे ही हावड़ा ब्रिज की तरफ अगर आगे बढ़ते हैं तो संभवतः ये पॉसिबल है कि एक बार फिर से उपद्रव ज्यादा मचे और इसीलिए अब ये कोशिश की जा रही है कि इसको रोका जा सके। क्या कहना चाहते हैं आप? कुछ नहीं, বাংলার একটা মেয়েকে যেভাবে নারকীয় অত্যাচার করা হচ্ছে পুলিশের লজ্জা থাকা দরকার, খারাপ হওয়া চাইয়ে দু লোক কেসে কাম করে এবং পাবলিক কো রুকা যা রা কেউ রুকা যা রা এক লড়কি কো বলাকার করতে সব লোক মিলকে আর ও জব লোক বাটে ছোট ছোট রক্ত বেরে উঠতা যায়। তো মিনাক্ষী আপ দেখ লিজিয়ে কি ইয়াহাঁ পর জো স্থিতি হ্যায় উসকে হিসাব সে একবার ফির সে ये फायर किया जा रहा है टियर शेल्स को ताकि जल्द से जल्द जो भीड़ है उनको तितर बितर किया जा सके। वो एक बार फिर देखें तो ये जो फिर जो शेल्स हैं उसके जरिए जो यहां पर जो उपद्रव मचा रहे थे लोग उनको यहां से एक एक करके तितर बितर करते हुए हटाया जा रहा है क्योंकि प्रदर्शन कभी भी उग्र हो सकता है। कभी ये पत्थरबाजी हो रही थी, ये देखे फिर से जो यहां पर लोग हैं उनको खदेड़ा जा रहा है हटाने के लिए शुरू हो गए हैं। और ये इसीलिए जो जो यहाँ पर उस समय मौजूद था उसको यहाँ पर डिटेन भी किया जा रहा है, उसके अलावा जो प्रदर्शन कर रहा था उन सबको यहाँ पे रोका जा रहा है। और ये इस समय स्थिति है जहाँ पर एमजी रोड पर लगातार फायर टियर शेल्स को किया जा रहा है ताकि जो उपद्रव अग्रेसिव हो रहा था उसे रोका जा सके।